बताना क्या कर रहे हो अभी आप? मैं बॉक्स में लाके खड़ा कर दिया हूँ और देख रहा हूँ कि ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, बट जा नहीं रही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पहुंचे हैं कहां पर? शांति स्तूपा, द फेमस शांति स्तूपा इन ले। तो इसकी खासियत यह है कि ये अकेला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दूर से दिखता है, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर से ही दिखता है। और इसका जो व्यू है वो बहुत ही पैनोरमिक है। राइट नाउ वी आर विटनेसिंग अ व्यू दैट इज रियली ब्रेथ ट्रेकिंग ऑफ ले सिटी। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे क्योंकि Even the sky is blue today after so many cloudy days, we are witnessing sky that is like blue sky which is famous in Ladakh. बहुत टाइम से स्काई ग्लूमी हो रहा था, आज फाइनली ब्लू है एंड बादल भी हैं। सब कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अच्छी फोटोग्राफ के लिए। गाइज आज मौसम बिल्कुल क्लियर है और यहाँ की ब्यूटी देखने वाली है। बिल्कुल वाइट स्तूपा और ब्लू स्काई इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, साथ में वाइट बादल। हम यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अगर टाइम लैप्स भी आ जाए तो। गाइज दिस इज़ द व्यू एंड यहाँ पे पूरा मेंशन भी है आप कौन सा व्यू देख रहे हैं यहाँ से। दिस इज़ विलेज माथो, इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ से आपको फुल ले सिटी का व्यू दिखता है। Now I will show you View Village Stock, जो कि हम कल करके आ चुके हैं। अगर कल का व्लॉग नहीं देखा है तो देख लो। This is the one। यहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है and it is mentioned also official residence of Ladakhi royals। Okay, drones are prohibited। खारदुंगला पास जहाँ अभी जाना है इस तरफ है। शांति स्तूपा की हिस्ट्री पूरी, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। फाइनली हमारा शांति स्तूपा भी हो गया। आज का दिन अच्छा था, फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आई हैं। चलो अब आगे चलते हैं। शांति स्तूपा आप स्टेयर्स से भी आ सकते हो या फिर इस तरीके की छोटी सी हाई के पीछे बैक साइड पे स्टेयर्स भी हैं और नीचे कार पार्किंग भी है। दोनों तरीके से आ सकते हो। कार्स का ये वाला रूट है एंड यहाँ पे कार्स खड़ी हैं सारी। पीछे से स्टेयर्स भी हैं प्रॉपर जो कि यहीं पे आके मिलती हैं। दोपहर को लंच करने जा रहे हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है, सिर दर्द हो रहा है, आईज में दर्द हो रहा है। ये जो मैं आपको बोल रही थी ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको मैंने सर्फ से वॉश किया, आई मीन लाइफ बॉय से वॉश कर दिया है एंड किसी भी सोप से वॉश कर सकते हो। और ये देखो ये दोबारा चिपक जाएगा यहाँ पे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मोबाइल होल्डर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और ये देखो और यहाँ पे गौरव का फ़ोन लगेगा। ये होते हैं सस्ते जुगाड़। और हमारा पूरा डैशबोर्ड साफ़ है क्योंकि कोई भी मोबाइल होल्डर नहीं लगाया हुआ।
ये देखो यहाँ पे ये फोन फिट हो गया गौरव का, कुछ भी नहीं करना, जस्ट ऐसे लगाना है और वो फिट हो जाएगा। यहाँ केबल्स हैं और केबल्स का भी ज्यादा जंजाल नहीं है, बस दो केबल्स रखी हुई हैं और ये यहाँ जियो लगा हुआ है। चलो यहाँ का गेट बंद कर दें और फिर हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, थोड़ा लंच वगैरह कर ले। आज मेरे में कुकिंग करने की हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शांति सुपा करने के बाद हम वापसी होटल आ गए थे। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी बट बैठे बैठे भी मुझे नींद नहीं आई, सो मैंने एक वीडियो एडिट कर लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नेटवर्क चांगस्पा पे नेटवर्क थोड़ा लो है, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। बट ले मार्केट में नेटवर्क ऑसम आ रहा है, सो कोशिश करते हैं, मैं वीडियो एडिट करके रखती जा रही हूँ, जहाँ अच्छा नेटवर्क मिलेगा वहाँ अपलोड मार देंगे। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ का वेट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अभी तक की स्टोरी सब अपलोड हो चुकी है, आई मीन एक हाईलाइट तो पूरा फुल हो चुका है और अब डाल रही हूँ बिकॉज नेटवर्क स्लो है, सो धीरे धीरे अपलोड हो रही है। गौरव कितनी तेज धूप है बाहर, बहुत ज्यादा यार, आज तो दिल्ली बना हुआ है, बड़ी स्ट्रॉन्ग धूप है यार, आज मौसम खुल गया है ना पूरा, बहुत ज्यादा तेज धूप है। So guys, यहाँ सुबह सुबह ही थोड़ा अच्छा प्रेजेंट मौसम हो रहा था। हाँ, सुबह सुबह हमने शांति सुपा इसीलिए कर लिया और दोपहर को हम यहाँ पे आ गए थे घर पे वापसी, आई मीन होटल में वापसी आ गए थे। This is like Goa now, right now, Goa. बट गोवा में ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ एटलीस्ट ह्यूमिडिटी नहीं है बट ये जलाने वाली गर्मी है, सनबर्न हो सकता है। हाँ वही 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 पीछे आप देख रहे हो ओल्ड टाउन मार्केट है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं ले हेरिटेज वॉक पे, बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मिस इट, स्लो ट्रैवल का यही मज़ा है। हम आज जा रहे हैं ले पैलेस और उसकी गलियों में से आज आपको लेके चलते हैं। चलो लैपटॉप लेके जाएगी टाउन में आओगे आपको लालस कैफे मिलेगा जो कि हेरिटेज वॉक कराते हैं यहाँ पे, बट अभी ये बंद है। ये है कश्मीरी घर पुराने, ये देखिए ले में पुराने कश्मीरी घर, लोग अभी भी रहते हैं यहाँ पे। दिस बिल्डिंग अपेरेंटली है पहला लद्दाख का होटल, ये है लद्दाख का पहला होटल। से गाड़ियां जा सकती है बट हम कर रहे हैं हाइक। ले पैलेस से एंट्री से पहले है शदाली गोम्पा जो इस वक्त बंद है और ये है पूरी ले सिटी का व्यू एंड इस तरफ है ले पैलेस। लद्दाख में हमने अभी तक कहीं पे भी एंट्री फीस नहीं दी है बट ले पैलेस इज अ ASI मॉन्यूमेंट, ओल्ड लद्दाख और कश्मीरी स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको मिलता है, सो यहाँ पे 25 rupees पर पर्सन एंट्री फीस। पुराने घर लद्दाख के। सो गाइस ये है, इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ ले में स्पीड मिल नहीं पा रही है, तो अब यहाँ पे एक जगह हमने देखी स्पीड, अब देखिए जरा यहाँ पे 2 दिन हो गए एक वीडियो अपलोड करने के लिए, हो ही नहीं रही है। अभी चलते चलते ना ये बर्फ बाहर का दिखा दे जरा यार, ये कोई BSNL का कोई एरिया है आसपास, यहाँ पे टावर है, टावर भी, हम टावर के नीचे बैठ गए भैया आगे हम लोग टावर के नीचे ही आ गए और स्पीड देखो भाई, सेकंड में वीडियो अपलोड हो रही है तो fast.com पे दिखाओ ना क्या है, कितनी स्पीड आ रही है। fast.com पे देखते हैं, एयरटेल लगाया हुआ ना हमने, हॉटस्पॉट। हाँ हॉटस्पॉट है। fast.com ये तमाशे हो रहे हैं यहाँ पे। बट जो भी है यार वीडियो अपलोड हो रही है ना, 2 दिन से मैं लेके बैठी हुई हूँ, वीडियो नहीं अपलोड हो रही।
चलो गाइस अभी के लिए इतना ही, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ, सो गाइस हम टावर के नीचे बैठे हुए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। हमने जाना था जोरावर फोर्ट, जिसमें साउंड एंड लाइट शो होता है, बट वो शायद रात को 8-8:30 बजे, बिकॉज यहाँ पे अंधेरा लेट होता है, 7 बजे तक भी चानना होता है, जैसे अभी दिख रहा है ना वैसे चानना होगा बिल्कुल। सो 8-8:30 होता है। अगर तब तक हमारे में जान प्राण रहे तो हम जाएंगे, वरना कल देखेंगे कल की कल देखेंगे यार, जो होता है ठीक है। आज हमने ले सिटी घूम ली है, हेरिटेज वॉक कर ली है ले सिटी की, जो आज तक नहीं करी थी। मजे आ रहे हैं। इन शॉर्ट आपको भी आई थिंक व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, ट्रैवल व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और नया कुछ जानने को मिल रहा होगा। अभी तक ट्रैवल व्लॉग अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी डाल दी हैं। एंड वी विल कैच यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियोज एडिट हो चुकी हैं बट वीडियोज अपलोड नहीं हो पा रही है ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। सो अब मुझे लग रहा है कुछ 4-5 दिन ऐसे ही टावर के नीचे हमें शरण लेनी पड़ेगी। ये टावर है कि नहीं है या कोई और टावर है वो नहीं पता यार, क्योंकि यहाँ BSNL लिखे, अब ये टावर है या ये टावर है वो नहीं पता कौन सा टावर है, बट यहाँ पे स्पीड आ रही है हमारे लिए। देखो भाई तुम्हारा हो गया क्या? हाँ चलो बाय। ये है जोरावर फोर्ट, यहाँ साउंड एंड लाइट शो होता है 8 बजे, अभी पता नहीं ऑन है कि नहीं। हाँ जी, तो ये एंट्री है, हम साउंड एंड लाइट शो के लिए जा रहे हैं। तोपखाना, ये है जनरल जोरावर सिंह, दिस इज द हिस्ट्री रूम, फर्स्ट लद्दाखी कैंपेन। Look at the snow-capped mountains, guys. कितना सुंदर लग रहा है। I feel proud to have housed the magnificent horse of General Zoravar Singh, along with 300 other horses. जोरावर फोर्ट की टिकट, एंट्री टिकट है यहाँ पे, एंड वो हॉल ऑफ फेम से मिलती है, साउंड एंड लाइट शो उसमें इंक्लूडेड होता है। अ मस्ट विजिट प्लेस। लाइट बंद हो गई। नेशन फर्स्ट। हाईवे पे इस वक्त दो रास्ते कटते हैं, एक ऊपर पैंगोंग को और एक हम वहाँ पे आ गए हैं। करू इज बेसिकली मिलिट्री बेस, 10 साल पहले यहाँ आए थे, आज हम एक डिकेड के बाद आ रहे हैं यहाँ पे दोबारा।